हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थपकी स्वाद की। तो आज हम बनाने वाले हैं 5 मिनट माइक्रोवेव चॉकलेट केक की रेसिपी, और जो कि बनेगा बस घर में रखे बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ। उसमें ना ही पड़ेगा अंडा, ना ही मिल्क, और ना ही हमें ज़रूरत होगी कंडेंस मिल्क की। और इस केक के प्रीमिक्स को आप तैयार करके रख भी सकते हैं, और जब भी आपको केक खाने का मन करे बस इस केक के प्रीमिक्स को मिक्स करिए और तैयार हो जाएगा आपका डिलीशियस चॉकलेट केक मिनटों में। तो चलिए फ्रेंड, इस रेसिपी को देखने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ मैदा लिया है, बेकिंग पाउडर, पिसी हुई चीनी और कोको पाउडर। तो इन चार चीज़ों से हम अपने केक का प्रीमिक्स तैयार करके रख लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी का केक प्रीमिक्स तैयार करके रखना है तो आपको यही वाले मेजरमेंट से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डबल करके इसकी क्वांटिटी लेनी है, और फिर उस केक प्रीमिक्स को एयरटाइट कंटेनर में रख के स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को छन्नी से छान लूँगी। तो ऐसा करने से उसमें कोई भी लंप्स नहीं रहेगा, और जो आपका बैटर है बन के तैयार होगा वो बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया मैदा, कोको पाउडर, पिसी हुई चीनी और 2 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। तो ये केक बनाने के लिए ये बहुत ही बेसिक से सामान है जो आपके घर में मोस्ट ऑफ द टाइम इजीली अवेलेबल रहता है। तो चलिए केक के मिक्सर को हम छान लेते हैं। तो ये लीजिए, आपका केक का प्रीमिक्स बनके तैयार हो गया है। आप इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं, लेकिन हम आज पूरा केक बेक करने जा रहे हैं तो मैं इसके आगे के स्टेप बताती हूँ। तो अगर आपका ऐसे केक प्रीमिक्स ऑलरेडी तैयार है तो आपको क्या करना है, बस इसमें 1/2 कप के जितना ऑयल मिलाना है। तो आप ऑयल की जगह मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम मिल्क नहीं मिलाएंगे, तो मिल्क की जगह हम यहाँ लेंगे गर्म पानी। तो हम लोग को यहाँ गर्म पानी बैटर में मिलाना है और चलाते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। तो यहाँ आपको पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैंने यहाँ लगभग 1.5 कप पानी यूज़ करा है, और थोड़ी देर में आप देखिए हमारा स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो गया है। तो हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। तो हमारा बैटर तो रेडी हो गया, तो चलिए जल्दी से डालते हैं इसे मोल्ड में। तो मैंने यहाँ सिलिकॉन मोल्ड लिया है क्योंकि ये माइक्रोवेव सेफ रहता है, और मैंने इसे पहले से ग्रीस कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें बैटर डाल के थोड़ा सा टैप करके इसको हमने माइक्रोवेव के अंदर रख दिया। तो सिलिकॉन मोल्ड माइक्रोवेव सेफ रहता है, तो आप कोई भी केक का मोल्ड ले सकते हैं जो माइक्रोवेव सेफ हो। और मैंने यहाँ सेटिंग सेट कर दी है 5 मिनट के लिए और मीडियम हीट के लिए। तो आप चाहे तो इस केक को कुकर में भी बेक कर सकते हैं 35 मिनट्स के लिए। तो ये लीजिए, आपका केक 5 मिनट में बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आपने देखा ना, ये झटपट बनने वाला 5 मिनट वाला माइक्रो केक बनाना कितना ईजी है। तो ये केक बनाने के बाद अभी भी हमारा बैटर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने उसे तीन मफिन मोल्ड्स में डाल के उसे बेक करने के लिए रख दिया है। तो चलिए इस केक को टूथपिक डाल के चेक भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी टूथपिक एकदम साफ निकल रही है। और ये लीजिए, हमारे छोटे से 3 मफिन भी बनके तैयार हो गए। तो आप देख सकते हैं हमारे केक कितने अच्छे और सॉफ्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारा केक थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने ऊपर से इसमें मेल्टेड चॉकलेट गनाश भी लगा दिया है, और ऐसा करने से इस केक का टेस्ट और भी बढ़ गया है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी प्लेन खा सकते हैं, या आप ऐसे चॉकलेट मेल करके भी लगा के इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सिंपल और डिलीशियस चॉकलेट केक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल थपकी स्वाद केक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।